हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिग्गज शेयर से रिलेटेड, ऐसे गवर्नमेंट शेयर ऐसे रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है। OFS आया था, OFS की वजह से वो शेयर काफ़ी गिर भी गया होगा, तो शेयर को आप शायद पहचान गए हो अगर आप मार्केट में रहते ही हो। अदरवाइज़ मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो उस शेयर देखिए नीचे से काफ़ी ऊपर बढ़ भी चुका है, और जहाँ से OFS आया था वहाँ पर पहुँचने भी वाला है। और एज वेल एज अगर मैं आपको बात बताऊँ कि ये शेयर ने अभी डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, तो आइए सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, इस वीडियो को भी लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि जिनका एप्लीकेशन भी काफ़ी बेहतरीन है। आपको फ्री में एडवाइस भी मिलती है, एज वेल एज जीरो डिलीवरी चार्जेस है। तो सब कुछ बेहतरीन है और फ्री में आपका डीमेट अकाउंट भी ओपन हो रहा है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ, तो सबसे पहले रिटर्न दिखा देता हूँ। वन डे का चार्ट रिटर्न देख लीजिए, लगभग 1.53% के रिटर्न। ओके, वन वीक का 6.13, 17, वन मंथ का 22, 3 मंथ का 4%, 6 मंथ का 33। ओके, मतलब किसी भी पैरामीटर पे देखेंगे ना आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देंगे। और 2 ईयर में इस कंपनी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है लिस्ट हुए, केवल 2 साल ही उसे कंपनी को हुए हैं, बट फिर भी काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो आगे चल के ये कंपनी आपको बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमा के दे सकती है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और आपको बताया था, अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं आपको ऊपर डाल दूंगा, तो आप आई बटन पे देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि शेयर का नाम क्या है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। ये शेयर है जो 873 पे चल रहा है, लगभग 1.63% 68% की, मतलब 14 पॉइंट्स की जंप देखी गई है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए 1132 पे आया था। बीच में देखिए शेयर काफ़ी भागा था, काफ़ी भागा था, कहाँ 1200 रुपये तक आया था, 1200-1300 रुपये तक। और फिर वहाँ से देखिए कंटिन्यूस गिरता गया, कितना गिरा था, लगभग 46% यहाँ पर गिर गया था ये शेयर। एंड 46% यहाँ पर गिर गया था, और अभी यहाँ पर कितना, मतलब फिर भी देख अगर देखा जाए तो 32% आपको यहाँ पर अभी भी अपसाइड दिख रहे हैं। तो गिरने के पीछे क्या रीज़न था, तो देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर गवर्नमेंट शेयर है तो गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी, तो यहाँ पर OFS आया था, और OFS की वजह से ही OFS लगभग 900 पे आया था, और 900 पे आने के बाद 990 के आसपास आया था सॉरी। और उसके बाद ये शेयर गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और ये लगभग 600 रुपये के आसपास, ये 687 रुपीज़ के आसपास ये शेयर आया था। और बट फिर भी अगर आप देखें तो वहाँ से इसने काफ़ी अच्छा जंप मार दिया है, और लगभग 190 रुपीज़ आपको प्रॉफिट कमा के दिया है 27%, और 878 पे ट्रेड कर रहा है। और बहुत ही जल्द ये अपने उसी लेवल पर आता हुआ आपको नज़र आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ईयर अगर हम बात करें, पहले 850 पे चल रहा था, बीच में आपको 400-450 रुपये ये शेयर आते हुए नज़र आया था, और उसके बाद जो इसने रिटर्न्स दिए काफ़ी बेहतरीन मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए थे, लगभग 170% के। और OFS आया था, इस वजह से ये गिर गया, वरना ये शेयर आपको गिरता हुआ भी नज़र नहीं आता। तो एक तो ये बात हो गई ये, और एज वेल एज बात बताऊँ तो ये कंपनी का जो का नाम है हिंदुस्तान एरोनेटिक लिमिटेड, आप सभी को पता ही है। काफ़ी लोग ऊपर के लेवल पर, मतलब 1200-1400 रुपये के लेवल पर यहाँ पर लोग फंस गए थे, 1300 के लेवल पर, तो लोग कहने लग गए थे काफ़ी शेयर बेकार है, क्योंकि कितना लगभग 50% शेयर गिर गया था। काफ़ी कुछ रिकवर कर लिया है, बट फिर भी अभी भी अभी कुछ ना कुछ कितना लगभग 30% अभी भी बाकी है, जो कि बहुत जल्दी रिकवर करता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है, इसके आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, अगर जिसने खरीद रखा है उसे बेचने की कोशिश मत करिए। और लगभग बात की जाए तो 37% की आपकी डिलीवरीज यहाँ पर उठाई गई है आज की डेट में भी। और डिविडेंड, जैसे मैंने कहा था कि डिविडेंड, तो देखिए अभी सरकार के पास 75% के शेयर है, एंड पब्लिक के पास 24.85% के। इस साल कंपनी ने लगभग 23 मार्च को 33 रुपये का डिविडेंड दिया था, और कंपनी ने फिर दोबारा डिविडेंड घोषित किया आज के दिन ही, कितने रुपए का, 15 रुपये का। तो 15 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर इसने कंपनी ने डिसाइड किया है अपने शेयर होल्डर को देने के लिए। तो आप
अगर शेयर में बने रहते हैं तो आपको 15 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। एज वेल एज यहाँ पर देखिए कोई भी प्लेजिंग नहीं है, और इसका अगर हम अगर बैलेंस शीट एंड ऑल चेक करते हैं, सेल्स चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मार्केट कैप देखिए लार्ज कैप कंपनी है, 28,874 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है। आर ओ सी ही देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय लगभग 24% का यहाँ पर नज़र आता है हमें। ओके एज वेल एज अगर हम देखें तो कंपनी का सेल्स देख लीजिए, कंटिन्यूस सेल्स बढ़ती हुई पहले आपको नज़र आएंगी। मार्च में लगभग 10,249 करोड़ रुपए की सेल्स थी, जो कि जून क्वार्टर में गिर गया। OFS भी आया था तो शेयर को गिरना लाजमी था, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए पेंडेमिक था तो इस वजह से सेल्स थी नहीं। बट कंपनी ने रफ्तार पकड़ना दोबारा शुरू किया है और लगभग 4,854 करोड़ रुपये का यहाँ पर सेल्स भी है। एक्सपेंस की बात करें तो ये कंपनी ने 3,826 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपेंस भी नज़र आ रहा है, बट फिर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 613 करोड़ रुपये, 549 से लेकर 613 करोड़ रुपये का यहाँ पर अभी नज़र आ रहा है। अगर क्वार्टर वाइज ईयर बाई ईयर की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट देख लेते हैं सीधे, ईयर वाइज ईयर देखिए 2,539, तो लगभग इसी रेंज में अभी प्रॉफिट नज़र आता है हमें। और अभी TTM में अगर हम बात करें तो 2,416 करोड़ रुपीज़ का अभी तक का नेट प्रॉफिट कंपनी को होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इसके रिजर्व्स एंड ऑल्स की बात करें तो रिजर्व्स देखिए कंपनी के पास काफ़ी बेहतरीन है। पहले रिजर्व्स मार्च 2012 में 11,218 रुपये के थे, 11,218 करोड़ रुपीज़ के थे सॉरी, एंड अभी देखिए लगभग 13,604 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर रिजर्व्स है। बोरिंग की बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है बोरिंग बड़ी कंपनी है तो बोरिंग पे ही चलती है। बोरिंग पहले 5 करोड़ रुपए का बोरिंग था, धीरे 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 बढ़ के हुए लगभग अभी 4,332 करोड़ रुपए का बोरिंग है। बट अच्छी बात यह है कि मार्च में 5,816 करोड़ की बोरिंग थी, जो कि कंपनी ने घटा के 4,332 मतलब 1,500 करोड़ रुपए कंपनी ने बोरिंग पिछले 6 महीने में पे कर दिए। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कंपनी ने 993 करोड़ रुपये 993 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखे हैं। और अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं तो कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास लगभग 198 करोड़ रुपीज़ का है, जो कि हमें घटते हुए मैनर में दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी सब पैरामीटर पे हमेशा अच्छी नज़र आती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जैसे कि आपको पता ही है 75% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और कौन है इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पर होल्डिंग है, गवर्नमेंट कंपनी है। और फॉरेन इन्वेस्टर 0.35% की हिस्सेदारी है, जो कि अभी बढ़ते हुए नज़र आई है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात की जाए तो लगभग 19% की हिस्सेदारी देखिए यहाँ पर नज़र आती है। लाइफ LIC ने देखिए लगभग 14% की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीद रखी है। HDFC की बात की जाए तो अभी 2.27% की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है, जहाँ पर क्यों यहाँ पर लोग डरे हुए थे, लोग बेच रहे थे, तो यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदती हुई नज़र आई है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 5.05% की हिस्सेदारी यहाँ पर है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, और कंपनी करती क्या है तो आपको बता देता हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड मतलब ये तेजस आपने सुना होगा, जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, ओके फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात कर रहा हूँ, ओके हेलीकॉप्टर जो बनते हैं मोस्टली ये कंपनी ही बनाती है। और काफ़ी अच्छी इनकी बुक वैल्यू भी है, एज वेल एज इनके पास बुक बिल्डिंग भी है, और इनके पास काफ़ी सारे ऑर्डर भी अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो और जैसे कि आत्मनिर्भर का नारा चल रहा है, तो ये कंपनी उसमें डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाती है, तो इसलिए इस शेयर की तरफ आप नज़रें बना के रख सकते हैं। अगर मुझे लिंक मिलेगा मेरी पिछली वीडियो का तो मैं आपको ऊपर डाल दूंगा, उसमें आपको मैंने HAL के रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें बताई है, तो आपको कुछ एक आइडिया आ जाएगा, तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। ओपन अकाउंट ओपन कराया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एज वेल एज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।